हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ऑडिटिंग अ प्रैक्टिकल अप्रोच में का कैश एंड बैंक में बैंक को बैलेंस कंफर्मेशन लेटर कैसे भेजते हैं, उसमें क्या कंटेंट होना चाहिए और कहां पे हमारी गलतियां होती है उसके बारे में सीखेंगे। यहां पे मैंने एक लेटर बनाया हुआ है, अगर आपको ये लेटर चाहिए तो वीडियो के एंड में या वीडियो के कहीं बीच में मैं मेरा ईमेल आईडी दूंगा, आप वहां पे मुझे ईमेल करके रिक्वेस्ट ले सकते। बैलेंस कंफर्मेशन लेटर जो है ये प्रिंटेड होना चाहिए कंपनी के लेटर हेड पर। बैंक किसकी है? वो बैंक है आपके क्लाइंट की, करेक्ट। दैट बैंक इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू योर क्लाइंट, सो यू कैन नॉट डायरेक्टली राइट एन ईमेल क्योंकि आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। सो ये जो लेटर है ये कंपनी के लेटर हेड पे होगा और कंपनी का ऑथराइज सिग्नेटरी इसे साइन करेगा। यहाँ पर मैंने बैंक मैनेजर लिख दिया, एचडीएफसी बैंक लिखा है, एज्यूम करना कि एचडीएफसी बैंक से ये कंपनी डील करती है और बैंक का कंप्लीट एड्रेस, ये डेट 15 अप्रैल लिखा है। जनरली बैलेंस कंफर्मेशन लेटर बैंक को हम लोग ईयर एंड के कुछ ही दिनों के बाद भेज देना चाहिए। बैलेंस यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिखा है, बैलेंस एंड अदर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस कंफर्मिंग फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है, बैलेंस कंफर्मेशन और अदर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस क्यों लिखा है? जैसे कि रिसेंटली आपने देखा है कि शेड्यूल 3 अमेंडमेंट नोटिफिकेशन में विलफुल डिफॉल्ट है या कोई लोन का रीपेमेंट है वहां पे डिफॉल्ट है, या अपार्ट फ्रॉम दैट जहां पे भी कोई लोन लिया है वर्किंग कैपिटल के लिए और उसके लिए कोई क्वार्टरली स्टेटमेंट हम लोग दे रहे क्वार्टरली स्टेटमेंट क्लाइंट दे रहा है, तो वो भी डिटेल्स हम लोगों को इसी में कवर करनी है। तो बैंक को आपका क्लाइंट कैसे समझ में आएगा? कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पे कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन करना नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज एक अगर आप बैंक अकाउंट मेंशन कर दोगे तो कंफर्मेशन शायद सिर्फ रिलेटेड टू दैट बैंक अकाउंट विल कम, बट एक अगर आप कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर वहां पे लिख दोगे तो ऑल द ट्रांजेक्शन, क्योंकि जो भी अपने बुक्स में दिख रहे हैं या जो भी बुक्स में दिख रहे हैं क्लाइंट के वही ट्रांजेक्शन होंगे, या उसके अलावा कहीं पे गारंटी भी हो सकता है, कहीं पे जॉइंट ओनर भी हो सकता है, या कुछ भी केस हो सकता है। सो वी हैव टू इंश्योर दैट कि हम लोग कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर दे रहे। तो यहाँ पे लेटर का मैटर क्या होना चाहिए, प्लीज सेंड टू आवर ऑडिटर्स। कंपनी बोल रही है कि हमारे ऑडिटर को उनके ऑडिट के लिए आप ये कंफर्मेशन भेजिए, आप डिटेल्स भेजिए विदाउट एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप विद देम। तो हमारा और क्लाइंट के बैंक का कोई रिलेशन है नहीं है, बट हम लोगों को जो बैलेंस कंफर्मेशन लेना है हमारे ऑडिट पर्पस के लिए, तो दिस लेटर हैज टू बी प्रिंटेड ऑन द क्लाइंट्स लेटर हेड। अब क्या होता है कि लेटर हेड तो हम क्लाइंट को दे देते हैं, वो लेटर हेड पे प्रिंट करता है एंड समहाउ ही गेट द कंफर्मेशन। सो ये कंफर्मेशन भेजने के पहले हम लोग यहाँ पे एक अपना रेफरेंस नंबर दे, जैसे समझिए आरबी एंड को 0102, ये मेरा कंफर्मेशन का एक रेफरेंस है, यहाँ पे मैं बॉक्स कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने मैन्युअली लिखा है। यही जब भी हार्ड कॉपी आएगा तो एक रेफरेंस नंबर यहाँ पे लिख देना चाहिए, सो दैट जब कभी भी बैंक से आपको ये लेटर वापस आएगा तो यू कैन इंश्योर दैट कि आपने जो भेजा है उसी पे आपको मिला है। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने तो ये लेटर का फॉर्मेट दे दिया है तो कंपनी अपने ही किसी स्टाफ को भेज के इसी को प्रिंट करवा के बैंक से कंफर्मेशन ला के देती है, तो वहां पे जो प्रोबेबिलिटी है कि देर इज अ चांस कि कुछ गलत हो सकता है। सो इंश्योर करना कि आपका एक रेफरेंस नंबर यहाँ पे रख रहे हो, और ऑडिट ऑफ कैश एंड बैंक का वर्क पेपर मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो वहां पे रेफरेंसिंग कैसे करना है और ये वर्क पेपर को कैसे यूज करना है आप वहां पे चेक कर सकते। फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू आवर अफेयर्स, कंपनी बोल रही है हमारा जो भी आपके साथ ट्रांजेक्शन हुआ है आपके कोई ब्रांच में या बैंक में, तो एक एज ऑन 31 मार्च 2022 और जहां जहां पे ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर है तो सिंस 1 अप्रैल 2022, मतलब अगर बैंक बैलेंस है या एफडी बैलेंस है या गारंटी वगैरह तो उसका क्लोजिंग नंबर भी दे सकते हैं, और जहां भी नेसेसरी है वहां पे ड्यूरिंग द ईयर जो भी ट्रांजेक्शन हुए वो मेंशन करना। वी हैव प्रोवाइडेड द कस्टमर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरबी प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे
मेरे नाम का ही शॉर्ट फॉर्म कर लिया है। तो कंपनी बोल रही है बैंक को कि मैंने अपना कस्टमर आईडी दे दिया है, तो आप उसको यूज करके जो भी फैसिलिटीज है, जो भी अकाउंट्स है, उसी को और उसका सारा डिटेल्स हमारे ऑडिटर को दे दो। वी हैव एनक्लोज एन एडिशनल कॉपी ऑफ दिस लेटर एंड इट वुड बी पर्टिकुलरली हेल्पफुल इफ यू रिप्लाई, योर रिप्लाई कुड बी गिवन ऑन अ कॉपी लेटर इन स्पेस प्रोवाइडेड। अभी यही लेटर में हमने राइट साइड में एक स्पेस दिया है, हम लोगों ने लेफ्ट साइड में हमारे पैरामीटर्स लिखे और राइट साइड में वी हैव आस्क्ड देम कि कंफर्म कर दो। और जहां पे भी नेसेसरी है, इफ यू फाइंड नेसेसरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, स्कूल के एग्जाम में जैसे हम लोग सप्लीमेंट लगाते हैं वैसे ही हम लोग बैंक को बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन और एडिशनल है तो आप प्लीज इसके पीछे सप्लीमेंट लगा के, एडिशनल पेपर लगा के दे दो। रिसेंटली बैंकों का भी अपना बैलेंस कन्फर्मेशन देने का फॉर्मेट हो गया है। करेंटली कुछ दिन पहले बैंक ने एक आईसीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें बैंक का जो कन्फर्मेशन लेता है वो बैंक के थर्ड पार्टी से हम लोग ले सकते हैं क्या? तो अभी तक इसमें अगर कहीं गलती होती है तो बैंक को रिस्पॉन्सिबल समझे या थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्सिबल समझे, इस पे कोई लीगल ओपिनियन अवेलेबल नहीं है। इसलिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोगों को बैलेंस कंफर्मेशन बैंक से लेना है, ना कि उनके थर्ड पार्टी वेंडर से। इट इज अंडरस्टूड दैट एनी रिप्लाईज गिवन आर स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है और ये इन्हीं को दो। करेक्ट, कंपनी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है तो फॉर द नेम सेक, ऐसा कोई फर्म नहीं है मेरे नाम का, मैंने सिर्फ लिखा है राहुल बजाज एंड कंपनी एग्जाम्पल देने के लिए। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, तो जो भी कंपनी का सीए रहेगा, सीए फॉर्म, व्हाट एवर द सीए फॉर्म नेम, दैट नेम विल बी रिटन हियर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ईमेल एड्रेस। कभी कभी ईमेल कम्युनिकेशन भी होता है, बट व्हेनेवर यू गेट ईमेल कम्युनिकेशन इंश्योर करना कि आपको ईमेल करेक्ट डोमेन से आया है। ठीक है, अगर HDFC बैंक के डोमेन से ईमेल नहीं आ रहा है तो दैट मींस इट इज नॉट वैलिड। अगर बैंक के कोई कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर ने अपने जीमेल से ईमेल कर दिया, सो दैट इज नॉट वैलिड। सो वी हैव टू ऑलवेज एंश्योर कि एनी ईमेल कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक फॉर बैलेंस कंफर्मेशन, सो वी हैव टू एंश्योर डोमेन इज ऑफ दैट कंपनी एंड दैट कैन बी चेक्ड ऑन इंटरनेट। आप इंटरनेट पे जाइए, HDFC बैंक या ICICI बैंक, कोई भी बैंक जिसके साथ आप डील करते हो, तो वहां पे आपको समझ जाएगा। एज ए इंडिविजुअल आपके भी कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट होगा, अगर कोइंसिडेंटली आपका और कंपनी का सेम बैंकर रहेगा तो यू विल कम टू नो कि बॉस ये जो ईमेल आईडी है, डोमेन है, सही है, नहीं तो गूगल पे जाइए और वेरीफाई। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको मांगना चाहिए सो दैट अवर ऑडिट प्रोसीजर We are not grossly negligent while doing our audit. So first है accounts and balances. हम लोग क्या पूछेंगे कि बॉस कितने accounts है, loans है, deposit है, call money है, कुछ कुछ जो भी है वो सब details दे दो, account number दे दो, signatories का details जो भी रहेगा, कितनी limit assign की हुई है वो भी दे दो, interest rate भी दे दो, account को जो during the close हुआ है तो वो भी details दे दो। Also give details where the entity's name is joined with another party. State if any account or balance are subject to any restrictions. कभी कभी क्या होता है कि कोई अमाउंट आपका पड़ा है बैंक में, but that is subject to garnishee order. मतलब कोई high court, supreme court का order रहेगा और उसके वजह से वो fund you cannot move. Income tax का litigation होगा या कोई party के साथ आपका dispute रहेगा and the amount is, though amount is in your bank account, but you cannot use it until the judgment of the court comes. So, वो भी details हम लोगों को मांग लेनी चाहिए। Then second है facilities. Facilities मतलब कि कोई loan है, overdraft facility है, कहीं guarantee दिया है, तो details मांग लो उसकी कि कौन सा term loan है, क्या loan है, overdraft facility है, उसका repayment schedule, frequency के details, ये सब मांग लो। Detail of facility limit, क्या limit है, वो भी मांग लो। डिटेल्स ऑफ पीरियड ऑफ अवेलेबल ऑफ एग्रीड फाइनेंस, कि कब तक ये पैसा रखना है, कब तक विड्रॉन रखना है, विड्रॉन रखना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद लोन्स एंड बोरोइंग, यहाँ पर कारों का भी पॉइंट कवर हो रहा है और कुछ जो नोटिफिकेशन आया है रिसेंटली, जो डिस्क्लोजर देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दैट इज ऑल्सो गेटिंग कवर्ड। सो वी हैव टू स्पेसिफिकली आस्क, हम लोग ऐसे ओपनली नहीं मांग सकते कि ऑल ट्रांजेक्शन, बिकॉज एवरी आइटम मेंशन्ड हियर हैव अ सम पर्पस इन आवर ऑडिट। डिटेल्स ऑफ डिफॉल्ट ड्यूरिंग द ईयर, डिटेल्स ऑफ डिफॉल्ट ड्यूरिंग द ईयर, कोई लोन और इंटरेस्ट में तो डिफॉल्ट नहीं कर दिया, गोइंग कंसर्न भी अफेक्ट कर सकता है ये सब चीजें, वी हैव टू स्पेसिफिकली आस्क।
कोई अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अनपेड है, कोई बैंक अकाउंट है, कंपनी के बुक्स में तो बैलेंस नहीं दिख रहा है, बट समहाउ द बैंक हैज नॉट क्लोज्ड, कुछ चार्जेस लग गए या कुछ लोन या इंटरेस्ट पेबल बाकी है। नंबर ऑफ डेज डिले और अनपेड इन रीपेमेंट, करेक्ट कहाँ पे डिले है, ये सब कारों के भी पॉइंट यहाँ पे कवर होते हैं। हैज द एंटिटी बीन डिक्लेयर विलफुल डिफॉल्टर, विलफुल डिफॉल्टर कौन है, विजय माल्या का केस आप लोगों को पता है, आरबीआई के गाइडलाइन में विलफुल डिफॉल्टर उसको गाइड किया है या नहीं। इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्किंग लोन्स, वर्किंग कैपिटल लोन्स एडिशनली, कि वर्किंग कैपिटल लोन दिया है क्या, तो कंपनी को कोई मंथली क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है क्या। मैं ये बताया गया है कि अगर कंपनी को कहीं पे क्वार्टरली मंथली बैंक को स्टेटमेंट देना है, वो स्टेटमेंट और हमारे बुक्स के स्टेटमेंट में कोई डेविएशन है या नहीं, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पैरामीटर। और ये भी देखना है कि अगर कहीं पे कंप्लायंस रहेगा, तो क्या होता है कि अगर कंप्लाई नहीं करते हो या पेमेंट नहीं करते हो तो बैंक के एनपीए के नॉर्म्स है, तो वो एनपीए कैटेगरी में भी जा सकता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी कंप्लायंस है कंपनी कर रही है, तो कंपनी का ऑडिट करते वक्त हम लोग एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन देखते हैं, कहीं पे जहां पे पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है और कंपनी पोल्यूशन में बार बार डिफॉल्ट कर रहा है तो वो गोइंग कंसर्न को भी अफेक्ट करता है। सिमिलरली अगर आपका वर्किंग कैपिटल में कोई आप डिफॉल्ट कर रहे हो एंड बैंक आपका वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी ब्लॉक कर दे, तो दैट विल हैम्पर योर बिजनेस। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ऐसा कोई डेविएशन नहीं है वहां। देन सिक्योरिटीज, स्टेट वेदर द सिक्योरिटी सपोर्ट फैसिलिटीज ग्रांटेड बाय द बैंक। क्या होता है कि जब लोग हम पर्सनली क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं और हमारी एलिजिबिलिटी नहीं रहती है, तो हम क्या बोलते हैं, वी विल डू एफडी ऑफ 1 लाख रुपीज, यू ग्रांट मी क्रेडिट कार्ड ऑफ 60,000। जनरली ऐसा रहेगा, दिस इज नॉट अ थम रूल। सो सिमिलर वे अगर बैंक को कोई लोन लेना है, वर्किंग कैपिटल लेना है, तो उसके अगेंस्ट उसने कोई फिक्स एसेट लगाया है क्या, कोई लैंड एंड बिल्डिंग लगाया है क्या, कोई सिक्योरिटीज लगाई है क्या, ऑल दीज डिटेल्स वी आर आस्किंग टू द बैंक। वेर देर आर एनी अरेंजमेंट फॉर सेट ऑफ ऑफ बैलेंस एट और कंपनसेटिंग बैलेंसेस, बैक टू बैक लोन्स, यू पर्टिकुलर्स क्या होता है, सो ऑल दोज ट्रांजेक्शन वी विल कम टू नो, और बेस्ड ऑन द इनपुट रिसीव्ड एंड द इंडस्ट्री एंड कंपनी फॉर विच वी आर डूइंग द ऑडिट, वी कैन डीप डाइव इन द सब्जेक्ट मैटर। देन ट्रेड फाइनेंस, ट्रेड फाइनेंस मतलब क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेप्ट, क्या होता है कब कोई कंपनी बाहर बेचती है इंडिया के बाहर, तो उनके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है, या इंडिया में भी होता है कोई लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेप्टेड है क्या, बिल्स डिस्काउंट होता है कभी, क्या होता है सेल्स आपका 100 रुपए का रहता है एंड देन द कलेक्शन टर्म्स आर 2 मंथ, सो बैंक के पास आप जाके डिस्काउंट कर लेते हो, इमीडिएटली यू ड्रॉ 98 रुपीज, तो 2 रुपए बैंक चार्जेस तो चल जाते हैं, बट इसमें अगर कहीं पे डिफॉल्ट हो जाता है तो देन हु इज रिस्पॉन्सिबल, ऑल दिस मैटर्स वी हैव टू लुक इनटू इट। वी हैव टू गेट द डिटेल्स की बिल डिस्काउंट किया है क्या, कुछ बॉन्ड्स है, गारंटीज है, इंडेमनिटीज है, कोई अंडरटेकिंग है जो बैंक को दिया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड पार्टीज। जनरली क्या होता है कि अपने होल्डिंग होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी के लिए बहुत जगह गारंटी देती है। देन कमिटमेंट्स, कोई कमिटमेंट है ट्रेड रिलेटेड, डेट आउटस्टैंडिंग के रिलेटेड, द अमाउंट ऑफ अनयूज्ड कमिटमेंट सब्जेक्ट टू टर्म, द इंटरेस्ट रेट टू क्लोज सच बिजनेस, डेट, परसेंटेज, कमिटमेंट रिलेटेड टू फीस, कोई और कमिटमेंट है तो ऑल दिस डिटेल्स, कोई फैसिलिटीज है जिसका चार्जेस लग रहा है, स्टेट वेदर द सिक्योरिटी सपोर्ट फैसिलिटीज ग्रांटेड बाय द बैंक टू द एंटिटी और अनदर पार्टी, जो भी सिक्योरिटी या कमिटमेंट दिया है उसकी फैसिलिटी कौन यूज कर रहा है, सो ऑल दिस रिलेवेंट पैरामीटर्स वी हैव टू सी। कभी कभी बैंक में ही डेरिवेटिव ट्रेडिंग होता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है, ऑल दोज डिटेल्स ऑल्सो वी हैव टू लुक। यहाँ पे डेरिवेटिव ट्रेडिंग जैसा फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, फाइनेंशियल फ्यूचर, इंटरेस्ट रेट स्वैप, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, बुलियन कॉन्ट्रैक्ट, जो भी है ऑल दिस ट्रांजेक्शन डेरिवेटिव में, जनरली कोई कंपनी को फॉरेन एक्सचेंज मिलते रहता है तो वो हेज कर लेता है, तो ऑल दोज कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल दोज डिटेल्स, सो दिस विल हैव इम्प्लीकेशन ऑन आवर रिपोर्टिंग। कस्टोडियन अरेंजमेंट, गिव द डिटेल्स ऑफ नेचर एंड क्वालिटी ऑफ एनी एसेट हेल्ड बट नॉट चार्ज, कि ऐसा कुछ रहेगा तो, और एनी अदर बैंकिंग रिलेशनशिप, हम लोगों ने तो पूरे पैरामीटर्स लिख दिए बट इसके अलावा बाय एनी चांस हम लोग या कोई ब्रांच रहता है, मतलब क्या होता है कंपनीज के डिफरेंट लोकेशंस होते हैं और कंपनी डिफरेंट लोकेशंस पे सेम बैंक से एचडीएफसी के अलग अलग ब्रांचेस से डील कर रहे हैं, अलग अलग जगह कलेक्शन हो रहा है, चेन्नई में अलग हो रहा है, अहमदाबाद में अलग हो रहा है, मुंबई में अलग हो रहा है, तो ऐसा कुछ है तो नहीं कि जो हमसे छूट गया,
तो ऑल दोज डिटेल्स वी आर आस्किंग देम कि बॉस प्लीज प्रोवाइड इट हियर एंड देन नीचे ऑथोराइज सिग्नेटर एंड देन ऑथोराइज सिग्नेटर यहाँ पे मैंने मेरा ही नाम लिख दिया आरबी प्राइवेट लिमिटेड आरबी डायरेक्टर और बैंक को जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कॉलम में जहां पे हमने एम्प्टी लिखा है बैंक ने अपना ऑफिशियली स्टैम्प करना चाहिए ऑथोराइज पर्सन इसको साइन करना चाहिए एंड देन दिस डॉक्यूमेंट बिकम परफेक्ट डॉक्यूमेंट फॉर अस फॉर यूजिंग इन आवर ऑडिट पर्पज. I hope you like this video. If you have liked this video, please share, subscribe. Also, tell it to every article assistant of your organization to go through such videos and learn the best practices across the globe. Watch multiple videos. And if you have any comment, anything, please send me an email. I will respond. Thank you.